Okay, now, her organization may, you would be able to find that there are some job titles which are given, that he is like a software engineer, he is a senior software engineer, he is like a manager, branch manager, regional manager, etc. CEO, CTO, CIO, okay, system analyst, system architect, system developer, database administrator, etc. ये सारे designation जो दिए जाते हैं ना, what could be the reason behind it? ऐसे time pass के लिए या फिर कुछ reason? Specialization, okay, nice. और कुछ? मतलब जैसे कोई है ना, if a person gives an advertisement in the newspaper, we have an opening for a job, done, इतना ही. तो will you come to know कि this is for me? Or not, ये अपन को पता नहीं चलेगा if you're trying to understand. So I come to know, looking at that particular description, oh, this is something which could be related to me. We're trying to understand. So job, मतलब एक तो ये चीज कि ये पता चले कि हाँ वो मेरे लिए है या नहीं है. Second is, looking at that particular designation, we could determine organization, जैसे अपन ऐसी बात करते हैं ना, अरे IBM में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 40,000 है और माइक्रोसॉफ्ट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को 1,00,000 है. तो इफ यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, we are able to decide कि इतना तो इनका बनता है. We are trying to understand. यार इतना तो ये हक रखता है. उधर तो देख, अरे वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर 6,000 में काम कर रहा है. We are trying to understand. तो यार इतना कम मिल रहा है उनको. If you're trying to understand, यानी इतना इनका नहीं है, ये कम है, ज्यादा है, that is something, there is a baseline which we think. If we talk about like a clerk की बात करें, तो अपन को लगता है यार क्लर्क को 50,000, ये तो बहुत ज्यादा हो गया यार. If you're trying to understand. तो कहने का मतलब ये designation से we are able to determine how much should be the remuneration. ओके, एक बेसलाइन पता चलती है वो डेजिग्नेशन के हिसाब से. तो देखो, जॉब टाइटल्स एंड डिस्क्रिप्शंस क्यों होते हैं? पहले ताकि मैं रिक्रूट कर सकूं, आई कुड गिव द इन्फॉर्मेशन टू द पीपल हु वुड बी रिक्रूटेड. तो फर्स्ट पॉइंट आपको लिखना, देखो जॉब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन आपको यहां पर लिखना होगा. यहां पर ये जो स्पेस है, ये किस तरीके से मदद कर सकता है. फर्स्ट वन इज रिक्रूटमेंट. आपको फर्स्ट पॉइंट लिखना है रिक्रूटमेंट. सेकेंड इज कॉम्पेंसेशन बेसलाइनिंग. कॉम्पेंसेशन बेसलाइनिंग. थर्ड इज करियर एडवांसमेंट. ठीक है, ये तीन. मतलब इफ यू आर एट अ पर्टिकुलर डेजिग्नेशन, इफ ऑर्गेनाइजेशन में कोई डेजिग्नेशन नहीं रहेगा, सब समान, तो तुमको कैसे पता चलेगा यार ऊपर जाए नीचे जाए हम कहां पहुंचे हैं एग्जैक्टली. हाउ वी नीड टू, हम अब सीनियर कैसे बनेंगे, हमारा जूनियर कौन रहेगा, हम और ऊपर पायदान पर और एक लेवल पर कैसे चढ़ेंगे. दिस इज समथिंग विच यू कुड कम टू नो ओनली आफ्टर, लाइक यू हैव, लाइक इफ स्कूल्स में ऐसा होता कि सब लोग फर्स्ट से लेकर टेंथ तक सब साथ में पढ़ेंगे, ओके, तो इट वोंट मेक सेंस यार सब एक साथ, फिर यार मतलब कैसे होगा वो फर्स्ट वाला भी सेकंड, मतलब फर्स्ट सेकंड कुछ होगा ही नहीं यार. कौन कितना नॉलेज ले रहा है, कौन कितना क्वालिफाइड है, वो भी समझ में नहीं आएगा. यू ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. सो उस तरीके से तीन पॉइंट्स होते हैं. नाउ दिस इज लाइक सिंपल टॉपिक, नाउ ये जल्दी से हम निपटाएंगे इसको. देखो एग्जीक्यूटिव